जैसे धरती पर फूल उगते हैं वैसे ही शरीर पर बाल उगते हैं। ये शब्द हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2017 बुक में पूरी दाढ़ी वाली सबसे युवा महिला होने का रिकॉर्ड अपने नाम करने वाली हरनाम कौर के। हरनाम कौर सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करने का मैसेज देती हैं। अपने टीनेज में फेशियल हेयर की वजह से बुली होने वाली हरनाम ने एक दिन इन्हें बढ़ाने का फैसला किया और देखते ही देखते उन सभी लोगों के लिए एक मिसाल बन गई जिन्हें अपने अपीयरेंस को लेकर लोगों की तुच्छ मानसिकता का शिकार होना पड़ता है। ये वही लोग हैं जो पहले स्कूल कॉलेज में दूसरों को बुली कर खुद को कूल समझते हैं, फिर ऑनलाइन दुनिया में ट्रोल बन अपनी तथा कथित कूलनेस का बेसुरा ढिंडोरा पीटते हैं। बहरहाल हरनाम कौर वर्तमान में एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वो बॉडी पॉजिटिविटी और सेल्फ लव जैसी थीम्स पर बात करती हैं, लोगों को इनके बारे में एजुकेट करती हैं। लेकिन आज हम हरनाम कौर का जिक्र क्यों कर रहे हैं, सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। हाल ही में यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित हुआ। 98.5% अंकों के साथ 10वीं टॉप किया सीतापुर के सीता बाल विद्या इंटर कॉलेज की प्राची निगम ने। हर तरफ प्राची की चर्चा हो रही थी, इंटरव्यूज हो रहे थे। प्राची के मुताबिक वो आगे चलकर IIT JEE क्रैक करना चाहती हैं, इंजीनियर बनना चाहती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपनी मेहनत पर गर्व है। लाजमी है जब बोर्ड या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट आता है तो टॉपर्स की सफलता को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन दुख की बात यह है कि प्राची की सफलता और काबिलियत को दरकिनार कर केंद्र में उनके अपीयरेंस को लाकर खड़ा कर दिया गया। लोग प्राची को उनके फेशियल हेयर की वजह से ट्रोल करने लगे, उनके ऊपर मीम्स बनाने लगे। अब प्राची ने इन ट्रोलर्स को जवाब भी दिया है। IANS इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। प्राची ने कहा, मेरे परिवार, मेरे शिक्षकों या मेरे दोस्तों ने कभी भी मेरे अपीयरेंस के लिए मेरी आलोचना नहीं की और मैंने भी कभी इसकी चिंता नहीं की। रिजल्ट्स के बाद मेरी तस्वीर प्रकाशित हुई तो लोगों ने मुझे ट्रोल करना शुरू कर दिया और फिर मेरा ध्यान समस्या की ओर गया। ट्रोलर्स अपनी मानसिकता के साथ जी सकते हैं, मुझे खुशी है कि मेरी सफलता अब मेरी पहचान है। प्राची ने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए इस मानसिकता पर भी चोट की जो इस कल्चर को बढ़ावा देती है। हरनाम कौर, जिनका जिक्र हमने शुरुआत में किया, उनको बुली करने वाले लोग भी इसी मानसिकता के शिकार थे। वैसे ही लोग अब प्राची को टारगेट कर रहे हैं, कल किसी और को भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पर क्या ये अजीब नहीं कि जब बात महिलाओं की आती है तो उनकी कामयाबी को, उनकी उपलब्धियों को उनके अपीयरेंस से कम तवज्जो दी जाती है। उनकी मेहनत को साइड में रख सारा फोकस इस बात पर किया जाता है कि वो दिख कैसी रही हैं, क्या वो तथाकथित ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में फिट बैठ रही हैं, उनके चेहरे पर अगर बाल हैं तो ग्रूम क्यों नहीं करवाए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को दिए एक इंटरव्यू में हरनाम बताती हैं कि बहुत सारी महिलाओं को फेशियल हेयर होते हैं, उन्हें केवल इस कारण अवहेलना झेलनी पड़ती है क्योंकि ऐसा होना नॉर्म नहीं है। बॉडी हेयर जैसी नेचुरल चीज़ के लिए महिलाओं की मजाक बनाई जाती है। आपको यहाँ बताते चलें कि हरनाम कौर को 12 साल की उम्र में PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम डायग्नोस हुआ था और लाखों महिलाएँ इस समस्या से जूझती हैं। खैर, फेशियल हेयर कई मेडिकल वजहों से हो सकते हैं। हिर्सुटिज्म इसी तरह के एक मेडिकल कंडीशन है। PCOS और PCOD यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज को इनका प्रमुख कारण बताया जाता है। इस विषय पर हमने दी लंदन टॉप के हेल्थ शो सेहत में भी विस्तार से बात की है, सुनिए। हर्सुटिज्म महिलाओं में होने वाली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी के कुछ पार्ट्स पे बाल थिक और काले और बहुत ही सख्त हो जाते हैं। अक्सर ये बाल फेस पर यानी अपर लिप, चिन और साइड बर्न पर, या फिर चेस्ट पे, निपल्स के अराउंड, या मिड्रिफ यानी हमारे पेट के नीचे वाले भाग पर होते हैं। इसलिए हर्सुटिज्म में अगर आप देखें तो जहाँ पे फीमेल्स को बाल थिक नहीं होने चाहिए, काले नहीं होने चाहिए, वहाँ पर बाल थिक हो जाते हैं, और ऐसी जगहों पे जहाँ पे एक मेल को या पुरुष को बाल होते हैं, इस कंडीशन को हर्सुटिज्म बोलते हैं। हर्सुटिज्म के साथ एक नाम जुड़ा होता है जिससे अक्सर कन्फ्यूजन होती है, उसका नाम है हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस एक हार्मोन कंडीशन नहीं होती है। हाइपरट्राइकोसिस और हर्सुटिज्म में ये डिफरेंस है कि वहाँ पे बाल सिर्फ एंड्रोजन डिपेंडेंट एरियाज ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी में बाल ज़्यादा होते हैं। ये कंडीशन जेनेटिक भी हो सकती है और ये डिफ्रेंशिएट करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज दोनों का ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट है। हर्सुटिज्म के बहुत कारण हो सकते हैं लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है PCOS या PCOD या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस यानी कि जो हमारे शरीर में मेल हार्मोन होता है उसके बढ़ने से या फीमेल हार्मोन के कम हो जाने से जो मेल और फीमेल हार्मोन के बीच का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है और इसलिए इन जगहों पर अनचाहे बाल आ जाते हैं। इसके अलावा
हर्सुटिज्म काफ़ी मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है। एक मेडिकल कंडीशन है कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया, इसमें भी हर्सुटिज्म यानी कि इन जगहों पे बाल थिक हो सकते हैं, या फिर कुछ और जेनेटिक कंडीशंस हैं जिसकी वजह से आपको हर्सुटिज्म हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे हर्सुटिज्म का कारण एक्सप्लेन नहीं हुआ है, जैसे अगर आप ओबीस हो जाएं या वेट गेन करें तो उसकी वजह से एंड्रोजन इम्बैलेंस हो जाता है और आपको थिक हेयर यानी हर्सुटिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। आपने हर्सुटिज्म के पीछे के कारण सुने, लेकिन इस कंडीशन का इलाज क्या है ये भी आप जानते हैं। हर्सुटिज्म के ट्रीटमेंट में कुछ मेडिकेशंस जो मेल हॉर्मोन्स को कम करते हैं, जैसे ओसीपिल्स, स्पिरोनोलैक्टोन, फिनेस्टेराइड, ये दिए जाते हैं जो हर्सुटिज्म के रूट कॉज को ट्रीट करता है, हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है और नए बाल को आने से बचाता है। लेकिन जो बाल ऑलरेडी आ चुके हैं उन्हें हटाने के लिए आप कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स जैसे वैक्सिंग, थ्रेडिंग, शेविंग ये कर सकते हैं, बट ये टेम्पररी मेथड्स है, यानी कि आपने जितने बाल निकाले थे कुछ समय बाद उतने ही बाल दोबारा आ जाते हैं। तो यदि आप कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, कोई लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो लेजर हेयर रिमूवल सबसे बेस्ट टेक्निक है। लेजर स्किन के अंदर जाके बालों को जड़ से डिस्ट्रॉय कर देती है। एक सेशन में लगभग 20% बाल एक साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और दोबारा नहीं आते हैं। ऐसे 8 से 10 सेशन में ऑलमोस्ट सारे बाल खत्म हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर हॉर्मोन्स आपके बैलेंस में नहीं है या आगे जाके कुछ हॉर्मोनल इरेगुलरिटीज होती है, तब बाल दोबारा आ सकते हैं, खास करके उन जगहों पर जो मेल हॉर्मोन डिपेंडेंट है, जैसे कि चिन या चेस्ट या साइड बर्न्स। इन केसेस में लेजर के साथ मेडिकेशन लेना जरूरी है, बट आज की तारीख में सबसे सेफ, इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन है लेजर हेयर रिमूवल फॉर हर्सुटिज्म। कोई व्यक्ति किस समस्या से जूझ रहा हो सकता है उसका जरा भी एहसास किए बिना ट्रोलर्स बेधड़क अपनी नासमझी के सबूत पेश करते रहे हैं। सोशल मीडिया इस बात का गवाह है। प्राची निगम के साथ भी यही किया गया। किसी का मजाक बनाना, कुछ भी अनाप शनाप बोलते जाना बेहद आसान है। खुद को एजुकेट कौन करे, थोड़ा सा तो मुश्किल काम जान पड़ता है नहीं, पर अगर इतना सा जतन कर लिया जाए तो ट्रोलिंग और बुलिंग जैसी चीज़ें कम हो सकती हैं। ये सब किसी को भी मानसिक तौर पर परेशान कर सकती हैं, उनकी मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती हैं, एक ऐसे कल्चर को बढ़ावा देती हैं जो बेहद नकारात्मक है। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने बात की साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर उपासना चड्ढा से। सुनिए उन्हें। प्राची निगम, हमारी जो यूपी की स्टेट की टॉपर है, उनको बधाई देने की जगह लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि उनके चेहरे पर बहुत बाल हैं। इस बात से मैं बहुत चिंतित हूं क्योंकि हमें ये याद दिलाता है कि हमारा समाज 2024 में भी, इतने डेवलपमेंट के बाद भी, ब्यूटी को लेकर जो ऑब्सेशन है, जो अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड है, वो अभी भी उतना ही बरकरार है। और ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हमारी युवा पीढ़ी के आत्मसम्मान के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और ये बुलिंग और जो ये ट्रोलिंग हो रही है वो सिर्फ प्राची निगम के लिए ही लिमिटेड थोड़ी ना है, ये बाकियों को भी एक खतरनाक मैसेज दे रही है कि आपकी इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी मेहनत, आपकी लगन से आपने जो हासिल करा है वो थोड़ी ना ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि आप दिख कैसे रहे हैं। और ये बहुत ही गलत बात है, ये बहुत ही दुख वाली बात है। फोकस चेंज करते हैं ना, हम ये देखते हैं दोबारा से कि प्राची निगम ने उत्तर प्रदेश में टॉप करा है। और ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इससे ये दर्शाया जाता है कि वह एक बहुत ही ज्यादा मेहनती, बुद्धिमान और लगन वाली लड़की हैं। उन्होंने जो हासिल करा है वो हम सब के लिए एक प्रेरणा है। अगर हम ऑनलाइन लोगों का मजाक उड़ाने की जगह, लोगों की टांग खींचने की जगह, लोगों की बेइज्जती करने की जगह, बेस्ड ऑन वो कैसे दिखते हैं, वो कैसे बोलते हैं, उसकी जगह उनकी कला को, उनके हुनर को, उनकी बुद्धि को, उनके इंटेलेक्ट को अगर हम प्रमोट करें, उसका हम रिस्पेक्ट करें, उसको हम सेलिब्रेट करें, तो ये समाज एक बहुत अच्छी जगह हो जाएगी जीने के लिए, जहां लोग और कुछ करना चाहेंगे और लोगों के ट्रोल से और बुली से डरेंगे नहीं, अपनी अचीवमेंट्स को, अपने अकम्प्लिशमेंट्स को शेयर करने में नहीं डरेंगे ये सोच कर कि कोई उनका मजाक उड़ाएगा। और प्राची, एक मैसेज आपके लिए,
ये ट्रोल्स और ये जो लोग आपको बुली कर रहे हैं ना, इनके ऊपर ध्यान ना दें। ये आपकी सफलता को और ये आप जो हैं उसको नहीं डिफाइन करते हैं, ये इनको डिफाइन करते हैं, इनकी सोच को डिफाइन करते हैं। आपकी सफलता के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आशा करती हूँ कि इससे और भी बड़ी उपलब्धियां आप अपने जीवन में इसी मेहनत और लगन और अपनी बुद्धि के साथ हासिल करें। और किसी के कुछ भी कहने से आप चिंता ना करें, ना ही उस पर ध्यान दें, क्योंकि वो आपके लिए महत्वपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बहुत मुबारकें। इस ट्रोलिंग की वजह से प्राची के परिवार वाले भी आहत थे। हालांकि स्पीच कई ऐसे लोग भी थे जो लगातार प्राची का सपोर्ट कर रहे थे, उनकी काबिलियत के बारे में बात कर रहे थे, ट्रोलर्स को जवाब दे रहे थे। शायद यही लोग मनुष्यता को जिंदा रखे हुए हैं, एक उम्मीद बने हुए हैं। इस पूरे विषय पर ललन टॉप में हमने अपने साथियों से भी बात की। आप उस पूरी बातचीत को सुनना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, देखते रहिए दी ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।